हेलो फ्रेंड्स, टुडे हम डिस्कस बीएससी सेकंड ईयर पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व के अंतर्गत जो पीरियोडिक टेबल है उसमें फोर सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। तो इसमें से हमने दो सीरीज 3D एंड 4D सीरीज मैंने पहले से ही पढ़ा दिया है, और अब हम देखेंगे 5D सीरीज। जो 5D सीरीज है वो 6 पीरियड में रखी गई है, इसलिए इसको 5D सीरीज भी कहते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनके अंतर्गत जो हमारे 5D श्रेणी है, जिसको हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज या 6th पीरियड भी कहते हैं। तो ये जो 5th या 5D श्रेणी है उसके अंतर्गत 10 एलिमेंट आते हैं, और ये जो 10 एलिमेंट हैं उनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 10 एलिमेंट हैं 5D सीरीज के, उनको हम किस तरह यहाँ पर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और ये इनकी जो पोजीशन है, स्थित है आवर्त सारणी में, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे 5D श्रेणी, 3D और 4D श्रेणी के समान इस श्रेणी में 10 तत्व है। ये तत्व आवर्त सारणी के 6वें आवर्त या 6th पीरियड में स्थित है। इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D उपकोष में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें N-1D उपकोष में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रवेश करता है। तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो N-1D उपकोष में प्रवेश करता है। तो ये जो 5D सीरीज के एलिमेंट हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर ये है, G-ron 54, 4F 0 to 14, 5D 1 to 10, 6S 1 और 2। तो यहाँ पर जो G-ron 54 है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 18 18 8। तो ये G-ron का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको हमने KL MN O में हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो 5D सीरीज है उसमें बैलेंस या संयोजी कोष के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है। कहने ये है कि बाहरी कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होता है 4F 0 टू 14, 5D 1 टू 10, 6S 1 और 2। तो यहाँ पर ये इसका संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और ये इसकी संपूर्ण जो 5D सीरीज है उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो पहला एलिमेंट है लेंथेनम 57। तो 57 के आगे के 14 एलिमेंट, कहने में ये है 14 जो तत्व है वो यह ब्लॉक एलिमेंट में रखे गए हैं। तो यहां से आगे के जो 14 तत्व हैं वो ए ब्लॉक में रखे गए हैं, इसलिए जो लेंथेनम है 57 उसके नाम पर ही, मतलब उसको नामकरण किया गया है लेंथेनाइट। तो यहां पर ये जो एलिमेंट है लेंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर है 57 और सिंबल होता है Na, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Xe54 4F0 5D1 6S2। यहाँ पर जो 4F0 है
तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो लेंथ है ना 57 है, उसमें जब तो वहां पर 4F का ये एलिमेंट नहीं है, इसलिए यहां पर 4F के कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। अब हम देखेंगे यहां पर हाफ नियम, जिसका जो सिंबल है वो HF है और एटॉमिक नंबर इसका 72। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Xe मतलब xenon 54 और 4F14 5D2 6S2। इसी तरह इसका टेंटेलम TA, इसका जो एटॉमिक नंबर है 73 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह होगा 4F14 5D3 6S2। तो ये आप नियम के अकॉर्डिंग ये बढ़ते चले जाते हैं। तो यहां पर जिस तरह यहां ये वाला ये जो है टंगस्टन जो है ये इसका जो है यहां पर 4 होना चाहिए, तो 4 ना होकर यहां पर 5 और यहां पर 6S2 होना चाहिए, जबकि 6S1 है। तो जिस तरह 3D सीरीज में क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास हुआ था, ठीक उसी तरह यहाँ पर जो हमारा टंगस्टन है उसका भी उसी तरह यहाँ पर 5D4 की जगह पर 5D जो है वहां पर हुआ था 3D4 और जो है 4S2 और यहाँ पर है 5D4 की जगह 5 हो गया और यहाँ पर 6S2 की जगह पर 6S1 हो गया। तो ये भी जो है क्या कारण होता है कि जो हमारा डी ऑर्बिटल्स होते हैं जब वो हार्ड फील्ड होते हैं तो वो अधिक स्थायी होते हैं या उनकी स्टेबिलिटी अधिक होती है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन एस से अपनी ओर खींच लेते हैं। तो इनका ये जो है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इसी तरह रेनियम जो है, रेनियम का ये हुआ ऑस्मियम 76 का, ये इरिडियम का ये, और प्लेटिनम 78 का ये जीना 54 4F14 5D8 6S2। तो यहां पर इस तरह इनका एक एक करके हमने सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं और ये सभी आबाउ नियम के अकॉर्डिंग फिल हो रहे हैं, जबकि कुछ ये इसमें एलिमेंट जो है वो आबाउ नियम के अपवाद हैं। तो इनको हम क्रमशः यहां पर देखेंगे। यहां पर ये जो है गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है 79 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है xenon 54 4F14 5D10 6S1। तो यहां पर जिस तरह मैंने कॉपर का किया था उसी तरह यहां पर इसका ये जो गोल्ड है इसका भी यहां पर ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। तो यहां पर टंगस्टन और गोल्ड, यहां पर जिस तरह क्रोमियम था उसी तरह ये टंगस्टन है, जिस तरह कॉपर था उसी तरह ये गोल्ड 79, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पर उसी तरह हो रहा है। तो लास्ट बचा हुआ है मरकरी, जिसका एटॉमिक नंबर है 80, यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन xenon 54 4F14 5D10 और 6S2 होता है। तो इस तरह हमने जो डी ब्लॉक की तीसरी ट्रांजिशन सीरीज है या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है जिसको 6 पीरियड में रखा गया है और ये जो सीरीज है वो 5D सीरीज कहलाती है। थैंक यू।